आप ब्रेकअप के बाद सोचते हैं मैं डीपी गायब कर दूंगा तो मेरे पार्टनर को मेरे पे दया आ जाएगा और वो मेरे को मैसेज करेगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, मैं बोलूंगा क्या रे, तूने डीपी क्यों गायब किया रे, एक्सक्यूज मी क्या रे, आप समझ रहे हो, ये सबसे नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मैं हूं सुमन सौरभ ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी आपका पार्टनर नहीं आया, ठीक है, पार्टनर बोलो, एक्स पार्टनर बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, मतलब पार्टनर नहीं आ रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है यार, वीडियो आगे बढ़ाऊं, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो को देखते ही मार दो लाइक, मतलब 150 लाइक, 200 कर दो, 200 कर दो तो और अच्छी बात है, टारगेट लेकिन 150 है, ठीक है, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक, सुनिए, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी पार्टनर नहीं आया, तो भाई क्या क्या ट्राई किए होंगे, ठीक है, बात करते हैं, आपने हाथ जोड़े होंगे, आजा यार ऐसे मत करो प्लीज, ठीक है, या पूरा एकदम दोस्तों से बात करवाओगे, यार मेरी बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, प्लीज तू मैसेज करना या तू करना, या बंदी की बहन से बात की होगे, या बॉयफ्रेंड के भाई से बात की होगे, किसी थर्ड पर्सन से भी पूरा राय परामर्श लिए होगे, प्लीज समझाइए, प्लीज समझाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, साला फिर भी नहीं समझ रहा है, मतलब पूरा एकदम कुछ लोग काला जादू में चले गए, आते हैं कॉल, ठीक है, टैरट रीडर वाले मेरे बहुत मैसेज करते हैं, सर मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो टैरट रीडर वाला बोल रहा है कि तुम्हारा जो बंदा गया है, तुम्हारी बंदी जो गई है, उसका नाम एस से है, ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ बता ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है, तो वो सब भी कॉल आते हैं, सर मैंने टैरट रीडर में इतने खर्च कर लिए, काला जादू में मेरे को चुतिया बना दिया, ये कर दिया सर, 50,000 खर्चा कर चुकी हूँ सर, आपकी उम्मीद हो भाई, मैंने वो भी ठीक कर दिया है, समझ रहा, क्योंकि मैं चलता हूँ साइंस और लॉजिक पे, मैं किसी को डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मेथड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये मेरे को अपने पे भरोसा है, बस मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी सभी दिखाए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला भाई, ये सब भी ट्राई किए हैं, या एकदम नो कॉन्टेक्ट रूल भी ट्राई कर लिए हो, समझ रहे हो, मतलब सब कुछ ट्राई कर लिए लेकिन नहीं जम रहा है, ठीक है, आ ही नहीं रहा है, अब सुनिए, हो सकता है इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि पास्ट में ही, ठीक है, ये जो अभी आप ठीक करने के, अभी आप फिराक में जो आप ठीक कर रहे हो, उससे पहले हो सकता है आपने इतना बड़ा डैमेज ही कर दिया है अपनी गलतियों के वजह से, कि एकदम माँ बहन ये तुम रो, अपनी बंदी को मान लो पूरा प्रोस्टिट्यूट को हिंदी बोलते, तुम रो रो, ठीक है, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, समझ जाओ, ठीक है, अब उस टाइप का रो किसी लड़की को रो बोल दोगे तो भाई माफ करेगी, कर भी लेगी लेकिन फिर आप बोल दोगे, या किसी अपने बॉयफ्रेंड के माँ बहन को एकदम सुना दियो, यार तेरा कुछ नहीं है साला, ना तू कमाता है, मतलब आपके पार्टनर को आपने एकदम चुभने वाली बात बोल दी, या आपकी गलती हो या उसका भी गलती हो, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी वॉरी सब कुछ बोल रहे हो, काला जादू वही बोला, लेकिन सब कुछ नहीं होता, ठीक है, सब कुछ ट्राई कर लिए, अब क्या करें, सुनिए गौर से, भाई मेरे झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, एक बात मैं एकदम सच बोलूंगा, आप अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए बस कोशिश कर सकते हो, अब कोशिश का भी लेवल होता है, इतना कोशिश, इतना कोशिश, इतना कोशिश, इतना कोशिश, या साला इतना कोशिश, आप समझ, डिपेंड करता है कि आप कितना कोशिश करते हो और आपके पार्टनर का नेचर कैसा है, आपका कोशिश और आपके पार्टनर का जो नेचर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा तब फिर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है, नहीं तो घंटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एकदम अमीर हो जाओगे तो आपका पार्टनर आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे को तो एक से करोड़पति और लखपति लोग भी भाई कॉल मैसेज कर रहे हैं, उनकी पार्टनर या उनके पार्टनर तो उतने पैसे वाले भी नहीं, फिर भी कहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं बोलूंगा एकदम पैसा का, हाँ सब चीज में अच्छा होना चाहिए, लुक्स पर भी ध्यान दो, ये वो, लेकिन वही बात हो गई, लास्ट में बात आता है कि आप बस कोशिश कर सकते हो, ये सच्चाई है, इसको अपनाना होगा, ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि एक लाइन में कोई ऐसा टिप्स दे दो जो मेरा एकदम पार्टनर आ जाए, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो भाई आपको चुतिया बना रहा है, पैसे उसे मांगने के फिराक में होगा, अरे ना आपको लूटेगा, और पैसे वो नहीं एकदम 10,000 दो, 20,000 दो, अरे से लूटा रहा है, एक सब्सक्राइबर मेरे को परसों ही कॉल की, मेरे को मैसेज भी दिखाई कि उसने किसी को 14,000 रुपए दे दिए, अब मैं कौन सा मेथड, मैं क्या बोलूं किसी को, 14,000 रुपए दे दिए और बोला कि बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा, नाम वाम उसका मैं बता दूंगा, ये वो दिस डेट, बस खत्म कहानी,
ठीक है, लास्ट में पता है उस लड़की को क्या बोल दिया, आपकी की नीयत सही नहीं है भाई बेटी, ठीक है, आपका मन साफ नहीं है, मन साफ कीजिए। अगर मन साफ रहता ना तो हम लोग का जो रीडिंग हो रहा है वो तो भाई उसमें तो आ जाता, आपका पार्टनर तो आ जाता। बताओ, मतलब 14 लाख दिया और भाई, अब बताओ आप समझ रहे हो, अब मेरा जो 300-400 मेरा जो है चार्ज वो नहीं दे रही हो, 14,000 लुटा दिए लेकिन मेरा कॉलिंग बस 300 के अराउंड है, वो नहीं दे पा रहा, आप समझ रहे हो ना। तो भाई इस सच्चाई को अपनाना होगा, ठीक है, इस सच्चाई को अपनाना होगा कि आप बस कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और ट्राई क्या कर लोगे भाई, 5 लाख महीना कमा रहे हो, है अभी बोल रहा हूँ, ट्राई भी उसी हिसाब से नहीं किया, कितना अर्न कर रहे हो, अच्छी बात है। मान लो आप, मान लो कि बंदी आपकी एवरेज है या बंदा उतना नहीं है, नॉर्मल फैमिली का है, तो भाई उसके हिसाब से आपका अगर लाखों में इनकम है या अगर 70-80 हजार भी महीना कमा रहे हो तो भाई ये भी कहाँ कोशिश की हो, कमाओ। या आप मान लो मोटे हो, लुक्स पे भी काम नहीं किए हो, नाक सकता नक्शा छोड़ो तो फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन मान लो कि नहीं काम किए हो अपने लुक्स पे भी, गंदे कपड़े अभी पहन रहे हो, पर कहाँ आप लुक्स पे काम करो, तो ट्राई में ही तो ये भी आता है। आप जो बोल रहे हो कि मैंने सारा ट्राई किया, कहाँ ट्राई कर रहे हो, अब आप बोलोगे नहीं लुक्स में भी बहुत अच्छा हूँ और पैसे में भी अच्छा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है, तुम तो चुतिया बना रहे हो ऑस्कर लव गुरु, मैं तो ट्राई किया, मेरा तो लुक्स भी अच्छा है, पैसे में भी अच्छा हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं आप जुबानी उसको टैकल नहीं कर पाए, बातों से टैकल नहीं कर पाए। आपके पास अच्छा पैसा, अच्छा लुक्स होने के बाद भी आपका पार्टनर एवरेज लुक का है या एवरेज पैसे का है, फिर भी आप उसको टैकल नहीं कर पाए, क्योंकि या तो उसको उतना जरूरत होगा नहीं आपके पैसे का या आपके लुक्स का, चार्ट तो डालेगा नहीं, ऐसा वो सोच के बैठा है, ठीक है। तो वो आपके प्यार का भूखा था, आपके बातों से भूखा था, आप कहीं ना कहीं बातों में टैकल नहीं कर पाए, या तो आप ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा दिए, या तो आप ही ज़्यादा उसको वो डांट वाट दिए, गुस्सा आ गया, एकदम गाली गलौज दे दिए, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अब बहुत बोलोगे नहीं बिहेवियर भी तो ठीक है, ठीक है आपको लग रहा है भाई, उसको जो चाहिए वैसा तो नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं नहीं ये कोई रीजन नहीं हुआ, पता है मैं बोलता हूँ कि क्या हो गया, बोलते ब्रेकअप हो गया, मतलब कैसे, पता नहीं, मतलब नहीं कुछ तो रीजन हो, पता नहीं, अब बताओ भाई, बिना रीजन का कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिना रीजन का कुछ नहीं होता है, सब चीज का रीजन है भाई, समझ रहे हो। आज पृथ्वी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ रीजन है, ठीक है। आज ये दिल्ली में ठंड है लेकिन मुंबई में उतनी ठंड नहीं है, यहाँ गर्मी है अभी भी, ठीक है, फैब आने वाला है फिर भी, तो भाई इसका भी ज्योग्राफिकली, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका ये रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो मैं थोड़ा मोटू हूँ, हेल्दी टाइप का, तो ऑब्वियस सी बात है रीजन है, या तो मैं फास्ट फूड बहुत खाता हूँ, या तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, या तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन है, या तो मैं जेनेटिकली मैं ओबेस हूँ, कुछ ना कोई रीजन होता है, बिना रीजन का कोई चीज नहीं होता है। उसी तरह अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो भाई कुछ ना कुछ रीजन है, आप नहीं पकड़ पा रहे वो अलग बात है, लेकिन रीजन है। नहीं भी आ रहा है पार्टनर तो भाई उसका भी रीजन है, वो ये हो, ये भी तो हो सकता है कि आप कितना भी कमा लो, कितना भी लुक्स अच्छा कर लो, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे ज्यादा ऑलरेडी मिल चुका है कोई और, तो वो क्यों आएगा, तो इस चीज को अपनाइए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर बहुत सारा चीज होता है, कुछ कुछ मतलब जिसमें सही से ट्राई किए, बहुत लोग सही से ट्राई नहीं करते हो, वही बोला ना 5 लाख महीना कमा रहे हो या 70-80 हजार भी महीना कमा रहे हो, नहीं ना, ठीक है, कुछ लोग कमा भी रहे होंगे तो हो सकता है उनकी लुक्स कुछ खास नहीं होगी, लुक्स खास भी होगी भाई बातों में फिर टैकल नहीं कर पाए, तो भाई कुछ ना कुछ रीजन है। यानी कि अपने आप पे पहले काम कीजिए और छोड़ दीजिए ऊपर वालों पे या जिसको भी आप मानते हो, ठीक है भाई। आने ये प्रकृति ऐसा खेल रचाएगी, ठीक है, वैसा फ्रीक्वेंसी सेट करेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला टर्म यूज कर रहा हूँ, वो आएगा, ठीक है। अगेन वही बात, आप बस कोशिश कर सकते हो, लेकिन सही मायने में लोग कोशिश नहीं करते हैं, सो नहीं मायने कोशिश करते भाई। नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक है, अच्छी बात है नो कॉन्टैक्ट भाई, लेकिन सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल ही फॉलो करने से नहीं होगा, मेरी वीडियोस देखना, मैं बोलता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, इसके अलावा आप इंटरेस्टिंग बनते रहो, लुक्स पे काम करो, कैरियर वाइज अच्छा करो, सोशल मीडिया में थोड़ा छाए रहो, ठीक है, पोस्ट वोस्ट डाला करो। कुछ लोग एकदम डीपी गायब करके रखते हैं, अरे कहाँ से अट्रैक्ट करोगे अपने एक्स पार्टनर या पार्टनर को, है आपका ब्रेकअप के बाद सोचते हैं मैं डीपी गायब कर दूंगा तो मेरे पार्टनर को मेरे पे दया आ जाएगा और वो मेरे को मैसेज करेगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, मैं बोलूंगा क्या रे तूने डीपी क्यों गायब किया रे, एक्सक्यूज मी क्या रे, आप समझ रहे हो, ये सब से नहीं होता है भाई। देखो
आप बस उतना कोशिश कीजिए जो आपके हाथ में है, ठीक है। आप बोलोगे हाथ में तो दूसरा चीज होता है, ठीक है भाई, जो भी हो, ठीक है, आप उतना ही कोशिश कर सकते हो जो आपके हाथ में है, इसके अलावा भाई ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन सही मायने में आप लोग कोशिश नहीं करते हो। जो स्टूडेंट हैं कहाँ ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को कितना यूपीएससी वाले, बैंकिंग वाले, रेलवे वाले, सर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर नहीं पा रहे ना भाई, तो कहाँ से कोशिश होगा। मुंह पे बंदी बोल के कहिए घंटा उखाड़ लोगे तरह रेलवे वेलवे में नहीं होगा, घंटा का कोई प्राइवेट 10,000 में खटोगे, ये मुंह पे बोल के गई है, फिर भी भाई मेरी बंदी कब आएगी। अरे भाई उस चीज को पहले तो एक सरकारी नौकरी पाओ, चाहे जो बोल के गई है, मैं ये नहीं बोल रहा बंदी के लिए पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपने लिए भी वो करो, ठीक है। आप उसका मुंह ही बंद नहीं कर पा रहे हो, पहले उसको तो नीचे गिराओ, वापस आ भी जाएगी तो ये पूछेगी क्या हुआ, बैंकिंग में हुआ, और बोलेंगे नहीं हुआ, तो कहाँ से इंटरेस्ट लेगी भाई। देखो एक होता है डायलॉग बाजी करना, एक होता है प्रैक्टिकली डायलॉग बाजी करना। मैं भाई प्रैक्टिकली डायलॉग बाजी करता हूँ। अब कुछ लोगों को मेरी बातें चुभेगी तो भाई आपने यानी कि मेरा बात नहीं लिया, लेकिन बहुत सब्सक्राइबर मेरे सब लगभग सब्सक्राइबर मेरे को पसंद करते हैं, आप लोग का प्यार है, बहुत लोग मेरी बातों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग की मैंने तारीफ किया इस बात पे, लाइक मार दीजिए, ठीक है। तो सब कुछ ट्राई आपको लग रहा है कि मैंने ट्राई किया, लेकिन भाई अभी भी ट्राई बाकी है, यही वीडियो में बताना था, अभी भी ट्राई बाकी है। क्योंकि सही मायने में ट्राई करते तो बंदी या बंदा आपका जो गया है वो आ जाता है भाई, आ जाता है, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो सोचो वो बहुत आगे निकल गया है, उसको कोई और मिल गया है, वो नहीं जम रही है, वो एक होता है ना बीच का कांटा, वो बीच का कांटा बीच में नहीं आ रहा है भाई, या तो इधर चला गया नहीं तो इधर चला गया, उठ ही नहीं पा रहा है। तो कुछ वजन तो डालो, इधर है तो कुछ वजन डालो तब इधर आएगा, ठीक है। ज्यादा वजन और डालोगे तो इधर चल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो भाई सुनिए, ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, ज्यादा क्या बोलूँ, उन्हें तो बोलते रहूंगा, ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। लाइक मारो एकदम, 200 लाइक ठोको, ठीक है। मेरे से डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहते हो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, व्हाट्सएप पे मतलब पेमेंट की कॉल बुक कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉल मत करना भाई, वो कॉल कोई उठाता ही नहीं, डायरेक्ट कॉल करोगे तो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप लोग, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मैसेज वैसे में कुछ पूछना है पूछ सकते हो, टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।